नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मस्तिष्क रेखा के ऊपर बनने वाली अन्य स्थितियों के बारे में कि उसमें किस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। देखिए, एक रेखा के ऊपर अगर हम बात करने बैठें तो बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे एपिसोड्स बन सकते हैं, क्योंकि हस्तरेखा या एस्ट्रोलॉजी है ये पूरी तरह से एक शोध का कार्य है जिसमें हमें निरंतर शोध पे रहना पड़ता है या शोध करते रहना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन ज़रूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं मस्तिष्क रेखा को, इस तरह से मस्तिष्क रेखा बनती हुई। तो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में जब गैप कम हो, मतलब अंतर कम हो, काफ़ी नज़दीक हो, इस तरह से बनी हो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है और अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा रहता है। मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर सेल्फिशनेस होती है ऐसे लोगों के अंदर। ये बिना काम के, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते। अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा फासला हो, बहुत ज़्यादा गैप हो, जैसे ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो, इस तरह से गैप बने या फासला बने, तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मतलब ये लोग काफ़ी हीन भावना में रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है काफ़ी अस्थिर प्रकृति का होता है। मतलब इनके जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आती क्योंकि उनके मन के अंदर हमेशा बेचैनी चलती रहती है, इस वजह से उनको उनके अंदर कभी भी स्थिरता नहीं आती। पहले मैं इनको मिटा देता हूं। यदि मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से आरंभ होती हुई बिल्कुल नीचे तक कलाई तक जाए, यानी मणिमन तक इस तरह से पहुंच जाए, जो कि नॉर्मली हर किसी के हाथ में नहीं होता, तो व्यक्ति जो है ज़रूरत से ज़्यादा हीन भावना में रहता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ हो जाते हैं और अगर बिल्कुल नीचे पॉइंट में इस तरह का क्रॉस बने तो व्यक्ति जो है आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपना जीवन लेने की भी कोशिश करता है, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर देखे गए हैं कि मानसिक रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका जीवन जो है काफ़ी अस्थिर और दुखद होता है। अगर मस्तिष्क रेखा कहीं गहरी और कहीं हल्की हो, इस तरह से कहीं पर गहरी और कहीं पर हल्की, इस तरह से हो, बिल्कुल इस तरह से हल्की हो, तो व्यक्ति में एकाग्रता की कमी होती है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो है कंसंट्रेशन पावर इनके अंदर बहुत ही कम होता है, जिस वजह से जो है वो एक जगह पर ध्यान लगाकर नहीं रख सकते। अगर मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो, इस तरह से बीच बीच में इस तरह से खंडित बनी हुई हो, इस तरह से, तो व्यक्ति के दिमाग में चोट लगने की संभावनाएं, या समझ लीजिए कि ऊपर सर पे बहुत जबरदस्त चोट लगने की संभावनाएं या सर का ऑपरेशन होना, यह दर्शाता है। अगर इसी प्रकार मस्तिष्क रेखा जहाँ से टूटी हुई हो और उसके पैरेलली कोई रेखा इस तरह से उसे कवर कर देती हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि वो दुर्घटना अगर घटित हो तो इंसान बहुत जल्दी उस दुर्घटना से रिकवर हो सकता है। मतलब अगर सर पे चोट लगे या दिमाग के अंदरूनी भागों में कोई भी चोट लगे तो उससे काफ़ी जल्दी व्यक्ति जो है वो रिकवर हो जाता है। यदि हाथ में जंजीर नुमा, मतलब कि जंजीर की तरह मस्तिष्क रेखा बने, इस तरह से जंजीर नुमा मस्तिष्क रेखा बने, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव बना रहता है और ये लोग अक्सर जो है छोटी छोटी बातों में काफी तनावग्रस्त हो जाते हैं और किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो हल्का हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, तो इनकी हालत जो है हमेशा एक, समझ लीजिए कि कच्चे धागे की तरह होता है। मतलब थोड़ा सा भी तनाव बढ़ा नहीं कि टूट जाते हैं। मतलब इनके अंदर
इतनी ज्यादा अस्थिरता होती है कि वो किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल नहीं कर पाते और अक्सर देखा गया है कि इनको नर्वस डिसऑर्डर भी होता है। यदि मस्तिष्क रेखा में इस तरह से कोई द्वीप बने या ऊपर की ओर कोई इस तरह से द्वीप बने तो व्यक्ति को काफी चिंता या कमजोर मस्तिष्क या फिर समझ लीजिए कि मानसिक तनाव के ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि जब जहां से द्वीप का आरंभ होता है और जहां पे अंत होता है उस समय तक ये जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा में इस तरह का त्रिकोण बने तो ऐसा व्यक्ति जो है काफी खोजी प्रकृति का और वैज्ञानिक नेचर का होता है, मतलब कि ऐसे लोग जो है कभी भी शांत नहीं बैठ सकते, इनके दिमाग में हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रहती है और ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते भी रहते हैं। और स्पेशली इस उम्र में जो मस्तिष्क रेखा के इस उम्र में जहां पर त्रिकोण बना हुआ है उस उम्र में इंसान को आर्थिक उन्नति या काफी अच्छा धन लाभ या स्टेटस लाभ या समझ लीजिए कि ओहदा अपना डेजिग्नेशन में तरक्की या डेजिग्नेशन बढ़ सकता है। यदि व्यक्ति के हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा हो इस प्रकार से इस तरह निकली हुई है और उसके बाद फिर उसके बगल से इस तरह से दोहरी मस्तिष्क रेखा बने तो स्थिति में व्यक्ति की दोहरी बुद्धि और दोहरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, मतलब कि वे ड्यूअल पर्सनालिटी होते हैं, दो तरह के चरित्र को अपने दिमाग में रखते हैं। और दोहरी मस्तिष्क रेखा होने के कारण व्यक्ति की दो तरफा इनकम या दो से ज्यादा इनकम होने की भी संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है काफी विलक्षण प्रतिभाओं का मालिक होता है, मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारा टैलेंट पाया जाता है और ऐसा टैलेंट जो शायद बहुत कम लोगों के अंदर हो, जिससे वो अपने जीवन में दो तरफा या तीन तरफा जीविकोपार्जन करते हैं, मतलब इनकम सोर्स बनाते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी मस्तिष्क रेखा के ऊपर। अभी इस तरह के और भी दो एपिसोड बनाने पड़ेंगे क्योंकि मस्तिष्क रेखा बहुत ही वृहद और काफ़ी जो है शोध करने का विषय है। तो आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।